नमस्कार दोस्तों, ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में, ये क्या है? ये उपला है। इसको उपला या कंडे भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसको हम गार्डनिंग में हम इसको खाद बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जिन लोगों के पास जो गोबर का खाद अवेलेबल नहीं है, या छोटी जगह में गार्डनिंग करते हैं, समय कम है जिनके पास कि रोज़ रोज़ वो किचन वेस्ट को दबाएँ भिगोएँ, तो उससे किचन वेस्ट निकालने से क्या होता है, बदबू भी होती है उससे पूरे में। तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है, बहुत सारे लोगों के घर ऐसे हैं जो बदबू नहीं फैला सकते, छोटी बालकनी है उसमें, तो उसमें वो लोग क्या कर सकते हैं, ये इंस्टेंट फर्टिलाइज़र इससे बनता है। ये 24 घंटे के लिए मैंने इसमें भिगो दिया था। इसको भिगोने के लिए इसमें जो उपले हम डालते हैं, टुकड़े करके आप डाल दीजिए, बड़ा बर्तन है तो साबुत भी डाल सकते हैं, और इतना पानी भर दीजिए कि ये आराम से ऊपर तक भर जाए, डूब जाए ऐसे दबा के, क्योंकि ये पानी सोख लेते हैं। पानी सोखने के बाद इनमें ये भारी हो जाते हैं, नहीं तो ये ऊपर तैरते रहते हैं। पानी जब सोख लिया है तो रात भर 24 घंटे के लिए हम इनको जब छोड़ के रखेंगे इसमें, तो इनका जो एसेंस है वो उसमें गोबर के जो गुण हैं वो पानी में आ जाएंगे। तो ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसको हम हर फसल में, हर पौधे में, चाहे वो फल वाला है, चाहे वो फूल वाला है, चाहे हमारे आउटडोर इनडोर प्लांट हैं, हर एक में दे सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन होता है। इसका रिज़ल्ट आपको एक हफ्ते के अंदर आपके पौधे की शक्ल ही बदल जाएगी। और ये जो उपले निकले हैं, इनको आप ऐसे चूरा करके मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे पौधों में भी डाल सकते हैं, मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। ये मैंने इसमें से पूरा गोबर जो भी है वो निकाल दिया। अब इसमें ये जो पानी मेरा है, अब इसमें पूरे गोबर के गुण आ गए। अब इसमें मैं क्या करूँगी, जितना ये पानी है इतना ही इसमें और मिला दूँगी। इसको आप बना के स्टोर करके रखना चाहें तो स्टोर करिए, नहीं तो थोड़े उपले भिगोइए। हफ्ते में एक बार हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होता है, तो आप एक हफ्ते के लिए, आप जो है दो हफ्ते के लिए बना सकते हैं एक बार में, या फिर एक दो उपले जितने आपके क्वांटिटी में, जितने आपके पास गमले हैं उसी हिसाब से आप बनाइए, भिगोइए, और फिर उस पानी को यूज़ कर लो। ये इंस्टेंटली बन जाता है, ना कोई बदबू फैलाने की ज़रूरत है, ना कुछ और काम बढ़ाने की ज़रूरत है, ना किसी कंपोस्टर की ज़रूरत है। इस तरह के आप एक कोई छोटी बकेट या ये इसमें जो डस्टबिन होते हैं, ये मैंने वो ले रखा है जो मैं गार्डन में ही यूज़ करती हूँ, तो इनसे आप इसको बना सकते हैं आराम से। हर पौधे में ये बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो आपके फल वाले पौधे हों, चाहे आपके सब्जियों के पौधे हों, या आपके आउटडोर इनडोर प्लांट जो आप लगाते हैं, बालकनी प्लांट्स, तो वो सारे आप इसमें कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। ये प्लांट्स के लिए बूस्टर का काम करता है, ऑल इन वन ये फर्टिलाइज़र है। आपके गोबर के खाद की कमी को भी ये पूरा कर देगा। हम वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं, बनाते हैं, लेकिन गोबर की जो खाद होती है, अगर हम गोबर की खाद यूज़ कर लेते हैं तो फिर किसी और खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब खाद की कमी वो पूरी कर देता है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अब मैं ये डालेंगे इसको। ये मेरा पौधा है, ये देखिए पर्पल हार्ट है, इसमें डाल दो। एक मैंने आम का पौधा ही छोटे गमले में लगा रखा है, इसको बाद में मैं पार्क में लगवा दूंगी। ये छोटे छोटे तुलसी के प्लांट हैं, अभी मुझे इन्हें ट्रांसप्लांट करना है। एक बार इसमें भी मैं थोड़ा सा दे देती हूँ। और ये करौंदे का पौधा है, अच्छा हो रहा है ये, इसको ज़रूरत है ग्रोथ के लिए, इसमें डाल दिया मैंने। ये मेरी मिर्च, मैंने एक पौधा लगाया है, इसमें डाल देती हूँ। इसके साथ ही ये अदरक है, इसमें डाल देते हैं अच्छे से, अच्छी तरह से इसमें डाल। ये दो मूंगफली के पौधे हैं, इनमें भी डाल देती हूँ। मूंगफली भी गमले में हो जाती है, देखिए कितनी अच्छी इन दोनों पौधों की ग्रोथ हो रही है। ये मिर्च की पौधा है, ये लगाने के लिए तैयार ही हो गई है, इसको भी मैं डाल देती हूँ, इसमें भी डाल दूँ, थोड़ा सा और अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाएगी। ये एलोवेरा का है, देखिए कितना हेल्दी, बहुत अच्छा पौधा है, इसमें भी डाल दूँ। ये मोगरा है, इसमें कटिंग के बाद बड़ी अच्छी सुंदर साफ़ सुथरी वो आ रही हैं, और आप देख सकते हैं इसमें कितना सुंदर फूल भी आ गया है, ये भी इसमें भी मैं डाल देती हूँ। फूल वाले पौधे और ज़्यादा भर जाएंगे, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। ये मेरा करी पत्ता है, आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी भरा भरा करी पत्ता है, इसमें मैं अक्सर डालती रहती हूँ इसको। ये इसमें मैंने एक मग डाली दिया पूरा, क्योंकि बड़ा गमला है। ये संगोनियम की कटिंग है, कितनी अच्छी हो गई है, इसको भी ट्रांसप्लांट करना है, इसमें भी डाल देते हैं। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है ये मेरा तोरी का पौधा है, इसमें देखिए ऊपर जाके
फूल आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें फ्रूट्स आ रहे हैं इस टाइम पे। देखिए इसमें मैंने पूरा एक मग भर के डाल दिया है। तो मेरे जितने भी बालकनी में प्लांट्स हैं उन सब में मैं इसको डाल दूँगी। ये तुलसी का पौधा है, इसमें भी बहुत अच्छी तुलसी की ग्रोथ होती है इससे। ये भी ये जेड जेड प्लांट है नीचे, और ये इंडिया सॉन्ग है, इसमें भी डाल देते हैं। बड़ा हो रहा है इसमें, देखिए नीचे से दो दो फ्रूट्स भी आ रही हैं इसमें नीचे इसके यहाँ से। तो इस तरह से ये जो मेरे पौधे हैं, और एक पुदीना है ये मेरा, इसमें भी मैं डाल दूँ इसको, इसमें से निकल जाता है इसलिए मैं नीचे इसके लगा लेती हूँ मग एकदम, जिससे कि नीचे ना गिरे। ये बॉटल में ही बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डालती हूँ जिससे कि छेद में से पानी ना निकले। इसमें भी हो गया, ठीक है। इस तरह से मैंने अपने सारे ही पौधे, जितने भी मेरे पौधे हैं, सब में ये डाल दिया है। इसमें भी डाल देती हूँ, स्नेक प्लांट है, और ये है मेरा गुड़हल का पौधा, इसमें भी डाल देती हूँ इसको, मैंने अभी रिपोर्ट भी किया है। इसके अलावा ये जो फूल वाले प्लांट्स हैं इनमें भी थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। जेड प्लांट काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, ये कटिंग से स्नेक प्लांट है, और ये मनी प्लांट है, और इसमें एक अजवाइन की कटिंग थी वो बहुत अच्छी हो रही है, और अच्छे हो जाएंगे। तो सभी जितने भी हमारे पौधे होते हैं सभी में आप इसको डाल सकते हैं, कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसमें ये नुकसान करेगा, किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं करता, हर एक में आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन इसमें पत्ते का मैंने लगा रखा है क्रॉटन का, अरे मेरे ये क्रॉटन प्लांट छूट गया, इसको भी लगा देती हूँ। और ये एक लौकी की पौध हो रही है, इसमें डाल दो, ये कटिंग है। तो इस तरह से इससे आप जो आपको गंदगी, किसी भी प्रकार की गंदगी वगैरह नहीं जो फैला सकते, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत सही तरीका है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।